हेल्थ प्लस प्रोग्राम च तुहाडा सब का स्वागत है। अज असीं तुहानू लैके चल रहे हाँ न्यूरोथेरेपी उपचार केंद्र कन्या पाठशाला रोड शास्त्री नगर नेड़े साहिल प्रिंटिंग प्रेस जगराऊं। इत्थे बिना दर्द बिना दवाई बिना किसी साइड इफेक्ट दे हर बीमारी का सफल इलाज किया जाता है। रीढ़ की हड्डी नाल संबंधित कमर दर्द नर्व रूट कंप्रेशन भाव नाड़ा का दब जाना सुन्नापन कुब पै जाना आदि का सफल इलाज किया जाता है। रीढ़ की हड्डी के कारज या कैल्शियम की कमी कारण गोडे दर्द का सफल इलाज इत्थे किया जाता है। दिमागी बीमारी मंद बुद्धि बच्चे मिर्गी के दौरे पैना ना सुनना ना बोलना आदि का भी सफल इलाज किया जाता है। सारी टीम ने डॉक्टर प्रभलीन सिंह नाल गलबात की ते उना कोलों न्यूरोथेरेपी उपचार केंद्र बारे जानकारी हासिल की। आओ करते हैं डॉक्टर साहब नाल एक मुलाकात। दर्शकों हेल्थ प्लस प्रोग्राम से तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हाँ न्यूरोथेरेपी सेवा केंद्र जगरावां विखे और गल कर रहे हैं डॉक्टर साहब नाल प्रिंस जी दे नाल। डॉक्टर तुहाडा स्वागत है साडे स्पैशल शो च। थैंक यू सर बहुत बहुत। डॉक्टर न्यूरोथेरेपी की चीज़ है जिहदे नाल असीं इन्ने पेशेंट्स नाल गल की चाहे वह सर्वाइकल दे पेशेंट सीगे चाहे वह किसी नूं बैक पेन सीगा की ये थेरेपी है जिहदे नाल तुसीं रिटायर्ड बच्चे आ जिहड़े उन्हां दा इलाज कर रहे हो और किस तरीके दे नाल इह काम करदी है की कहना चाहोगे? ये एक ब्लड सर्कुलेशन बेस्ड थेरेपी आ। इस विच असीं खून दे बहाव नूं तेज करके बॉडी दे ऑर्गन्स नूं स्टिमुलेट करदे आ। इस तरह इलाज किया जाता है। इहदे फाउंडर डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जिन्हां दा जन्म 23 अगस्त 1931 अमृतसर विखे होया। डॉक्टर न्यूरोथेरेपी दे विच जिहड़े रिटायर्ड बच्चे आ उन्हां दे लई बहुत कारगर साबित हो रही है सारे पंजाब हिंदुस्तान च वर्ल्ड दे विच। उहदे बारे की कहना चाहोगे कि रिटायर्ड बच्चे आ जिहड़े उन्हां नाल किवें कि तुहाडा उन्हां दे नाल कंप्लीमेंशन ही नहीं हुंदी आ प्यार उन्हां नाल कर लैंदे बच्चों नूं पहलां और उन्हां नूं ट्रीटमेंट दे नाल नाल इक काउंसलिंग जिहड़ी हैगी उह कर दिओ? काउंसलिंग भी हुंदी आ प्यार नाल भी करी जांदा ट्रीट उन्हां नूं। वैसे जो थेरेपी आ क्योंकि ब्रेन दे विच ब्लड सर्कुलेशन ही कम करदा वा ये कोई मेडिसन नहीं कम करती गई करके असी कुछ पॉइंट जरूरी दबा के बॉडी ते उन्होंने ब्लड दे सिस्टम नू सैट करके ब्रेन तक बहा नू ऑक्सीजन लैवल उहदा प्रॉपर करके इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਅਧਰੰਗ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ? ਹਾਂਜੀ ਖੂਨ ਦੇ ਗਾੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਟਿੰਗ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਨਾੜ ਫਟਣ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਹੈਪਰਨ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੋਟ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਉਦਾਸੀ ਘਬਰਾਹਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਹ ਨਿਊਰੋਥੈਰੇਪੀ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇਈਦੀ ਆ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਾਲ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮੇਲ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਸਰ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੈ ਔਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਗਰ? ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਬੈਕ ਪੇਨ ਨੀ ਪੇਨ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਬੀ ਪੀ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 40+ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਬੀ ਪੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਐਸੀਡਿਟੀ ਗੈਸ ਕਬਜ਼ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹਾਈ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਜੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਲੀਆਂ ਵੀ ਸਮੇਲ ਹੈਗਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਬਣ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਨਿਊਰੋਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰ ਉਹ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਊਰੋਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਅੱਜ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੋਚਰ ਜੀ ਕੋਲ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਿਊਰੋਥੈਰੇਪੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਬੋਂਬੇ ਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੂਰਿਆਮਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਮੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਲਡ ਏਜ ਸੀ ਨੀ
नी पेन सी प्रॉब्लम, बट जो मैं ट्रीटमेंट देन लगा मैं पहला बिल्कुल नहीं आपके ते कॉन्फिडेंस भी ये पेशेंट ठीक हो जूगा, बट उस तो बाद जो मैं ट्रीटमेंट दिता उस तो बाद उन्होंने मैंने कहा कहते पुत ज्यादा रह कहते भी बहुत वधिया लगे सू ट्रीटमेंट लैके मतलब गोडे बड़ा फर्क लगे तो मैंने उस दिन कॉन्फिडेंस मेरा हाई होया भी न्यूरोथेरेपी नाल इलाज हो सकता फिर उस तो बाद मैं इंट्रस्ट वाधा गया इस विच। और दसो हम तुम जिदा जी राम ने अपना सेवा शुरू की की कहना चाहोगे लोगों को कि एक बार जरूर मतलब तुम विजिट कर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हैगी तो उन्होंने बड़े धमल प्यार हैंडल करो। बिल्कुल सर कोई भी डिसीज आ तो सू आके मिलना साडा स्क्रीन पर नंबर भी चलूगा कॉल करना साढ़े को ट्रीटमेंट लैन आके कोई भी गल कोई डिसीज के अकॉर्डिंग डिस्कशन कर सकते दसा सू समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। तुम न्यूरोथेरेपी उपचार केंद्र डॉक्टर प्रिंस दे इतने आए हो की कहना चाहोगे किवें की प्रॉब्लम सी तुहानू जिहदे करके तुसीं इत्थे आए और किवें हुण तुसीं महसूस करदे हो? जी पिछले कुछ सालों तो मैनू माइग्रेन की सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी, मेरे बर्दाश्त करन की भी शक्ति बहुत घट सी, बहुत मैं मेडिसिन खाइया सी उदों साइड इफेक्ट भी बहुत हो रहा सी, ते थोड़े दिन थोड़े टाइम पर मैं ज्वाइन किया सेंटर मैनू बहुत ज़्यादा आराम है बहुत ज़्यादा, मैं मेरे हुण 50-70% तक मेरी सर्वाइकल की प्रॉब्लम माइग्रेन की प्रॉब्लम खत्म हो गई। की कहना चाहोगे कि माइग्रेन की प्रॉब्लम के विच कोई ज़्यादा चारे नहीं होंगे गए सिर्फ वो मेडिसन जिन्होंने खा के बंदे नूं या रेस्ट च आ जाता बंदा तो या सीडेटिवनेस जी बढ़ जाती है और ये जी थेरेपी है ये धीरे धीरे वो काज ही खत्म हो रहा मतलब माइग्रेन का तुम लग रहा? हाँ जी मैंने माइग्रेन की तो बहुत ज़्यादा सवेयर प्रॉब्लम सी मेडिसिन फिर वही है सीडेटिवनेस ही आती सी ज़्यादा आराम तो जिन्ना खाना है पर थेरेपी के नाल मैनू बहुत ज़्यादा इफेक्ट होया बहुत ज़्यादा। मैं चाहनी हूँ कि जिन्हों सर्वाइकल है या जिन्हों माइग्रेन है जरूर इतने आ। और डॉक्टर प्रिंस बारे की कहना चाहोगे वो खुद इसका उपचार करते हैं? हाँ जी हाँ जी उन्होंने बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट किया तो मेरी यही सारे बेनती है जिन्हों भी प्रॉब्लम आ जरूर इतने आके भैन जी जिदा दवाई के नाल नाल तुम मतलब जो उपचार भी लै रहे हो न्यूरोथेरेपी का ये दोनों चीज़ों का जो समेल है वो करके चल जाओ बस यही है भी जेने थेरेपी करते दे अगे नाल हुण बहुत ज़्यादा फर्क पै गया उधर नाल थेरेपी दे नाल मेडिसिन नाल दोनों दा इफेक्ट ही होगा दोनों दा ते जड़ी जड़ी दवाई हैगी उहदा भी कोई साइड इफेक्ट तां नहीं वो भी मतलब प्योर दूसरी दवाई है जिहदे नाल कोई मतलब शरीर ते असर नहीं आ रहा ना कोई कोई फर्क नहीं है कोई एसिड नहीं बनदा कोई कुछ नहीं बनदा बिल्कुल नॉर्मल जिवें आम खाई दी है दवाई उवें सर तुसीं न्यूरोथेरेपी उपचार केंद्र जिहड़ा कि प्रिंस जी द्वारा चलाया जा रहा हैगा उत्थे अपनी ट्रीटमेंट लैण आउंदे हो किदां महसूस करदे हो की कहना चाहोगे? मैं जी अपने गोडे ने दिखाया गोडे बारे तो इन्होंने बहुत बढ़िया इलाज किया मेरा तो हूँ मैंने गोडे में काफ़ी आराम मिला पहला तो लगता है खत्म हो गई मतलब जी दर्द दूर काफ़ी होंगे सी जो इन्होंने को आने लग्या मैं उदा मेरे गोडे में काफ़ी आराम होगा तो कि तुम मेडिसिन तो बिना ही मतलब आता भी डर भी नहीं लगता भी दर्द वाली दवाई खा के उधर किडनिया का इफेक्ट ना हो कोई होना हो नहीं हूँ इतना कोई गलबात नहीं है कोई दवाई मेडिसिन उन्हें खा भी नहीं रहे ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗੀ ਜੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਊਰੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 60-70% ਖਤਮ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਫਰਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਔਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਔਖਿਆਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਔਰ ਫਰਕ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।